आईपीएल ने 2023 से लेकर 2027 तक के 5 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बीसीसीआई ने सेल करके 43,390 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। ESPN के क्रिकेट इन्फो के डाटा के अनुसार 2023 से लेकर 2027 के राइट्स और 2018 से लेकर 2022 के राइट्स के मुकाबले ये दुगने दाम पर सेल किया गया है। मुकेश अंबानी के विपकॉन 18 ने ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदने के लिए 33,758 करोड़ खर्च किया। इस बार डिज्नी हॉटस्टार को रिप्लेस कर दिया है और टेलीविजन राइट्स खरीदने के लिए डिज्नी हॉटस्टार में 33,575 करोड़ रुपये पे किए हैं। इतना ही नहीं, ग्लोबल लेवल पर आईपीएल को टेलीकास्ट करने के लिए कौन ने और टाइम्स इंटरनेट ने 1,075 करोड़ की डील फाइनल की है। कौन ने 18 क्रूशल मैचेस के लिए नॉन एक्सक्लूसिव राइट लेने के लिए 2,090 करोड़ रुपए पे किए हैं। इतने सारे पैसे सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग पर। जैसा कहते हैं, आईपीएल अमेरिकन फुटबॉल लीग के बाद दुनिया का सबसे वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग है। पहले इंग्लिश प्रीमियर लीग, मेजर लीग ऑफ बेसबॉल, क्रिकेट एसोसिएशन को भी पीछे छोड़ दिया है। जब आईपीएल 2008 में शुरू हुआ तब इंडिया के कुछ बिजनेसमैन और बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम के साथ मिलकर 8 सिटीज बेस्ड फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए 723 मिलियन खर्च किए गए थे। 10 साल बाद आईपीएल अपनी पॉपुलैरिटी और कमर्शियल वैल्यू में काफी बढ़ा हुआ है और 2021 में ब्रिटिश इक्विटी CVC कैपिटल ने गुजरात टाइटंस के लिए लगभग 740 मिलियन की डील की है। इको सिस्टम में सारे पैसे आते हैं और एक काम कैसे करते हैं तो जान बेसिन तरीके से रेवेन्यू जनरेट करता है कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, दूसरा है स्पॉन्सरशिप और फ्रेंचाइजी। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप को मिलाकर बीसीसीआई का 70-80% रेवेन्यू जनरेट होता है और इसमें से 50% बीसीसीआई खुद रख लेता है और फिर 45% फ्रेंचाइजी के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। पैसे को प्राइज मनी के रूप में 4 टीमों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो विनर टीम होती है उसे सबसे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं और रनर अप टीम को उससे कम और बाकी जो टीम सेमीफाइनल क्वालिफाई करती है उनमें इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फ्रेंचाइजी को अपने ओवरऑल रेवेन्यू का 20% बीसी देना पड़ता है। टाटा ने 2022 और 23 टाइटल स्पॉन्सर होने पर बीसीसीआई को 375 करोड़ दिए हैं। चाइनीज स्मार्टफोन मेकर वीवो ने अपनी डील टर्मिनेट कर दी और एग्जिट प्लान के हिसाब से बीसीसीआई को 11,24 करोड़ स्पॉन्सरशिप। ये टीम की एक्सक्लूसिव स्पॉन्सरशिप होती है, इसमें टूर्नामेंट का कोई हिस्सा नहीं होता, जैसे कि टी शर्ट स्पॉन्सरशिप, रेडियो और डिजिटल स्पॉन्सरशिप इसमें शामिल होते हैं। फ्रेंचाइजी रेवेन्यू का एक छोटा सा हिस्सा है टिकट सेल। हर साल 7 से 8 होम मैचेस खेले जाते हैं जिसमें जैसे को 80% टिकट सेल्स का रेवेन्यू दिया जाता है और 20% बीसीसीआई अपने पास रख लेते हैं। एग्जांपल के साथ समझा जाए, मुंबई इंडियन वर्सेस सीएसके की मैच वानखेड़े स्टेडियम में शुरू है, मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइजी को 80% रेवेन्यू दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है। टिकट सेल से आने वाले रेवेन्यू के हिसाब से एक टीम का रेवेन्यू करीब 10-15% होता है। इसमें फूड और बेवरेजेस भी इंक्लूडेड। मर्चेंडाइज, ऑफिशियल टीम की मर्चेंडाइज जैसे जर्सी, हैट और अदर एक्सेसरीज भी फ्रेंचाइजी रेवेन्यू का एक छोटा सा हिस्सा है। टूर्नामेंट में बढ़ते हुए और नए टीम आने से फ्रेंचाइजी ऑक्शन बीसीसीआई के लिए नया रेवेन्यू स्ट्रीम बन रहा है। 2021 में आरपी संजीव गोनेका ग्रुप ने नए टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 240 मिलियन खर्च किए थे। सीएल ने गुजरात टाइटंस के लिए 740 मिलियन पे किए। मिरर राइट की डील की बढ़ती हुई स्केल के साथ कुछ लोगों को लगता है बीसीसीआई 2027 तक टीम की संख्या बढ़ाकर 10 से 12 कर सकता है। ब्रॉडकास्टर को एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू मिलता है। स्टार इंडिया ने 2018 से लेकर 2022 के 5 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 1,300 करोड़ से भी ज़्यादा दिए थे। एडवर्टाइजर आईपीएल के मैच के दौरान 10 सेकंड के एड स्लॉट के लिए ब्रॉडकास्टर को करीब 14 लाख रुपए देते हैं। अपनी कंट्रोल के मुताबिक आईपीएल 2021 में सिर्फ टेलीविजन और डिजिटल एड सेल से 300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। दो बिजनेस लाइन के अनुसार टेलीविजन के 30 सेकंड के एड स्लॉट के लिए ये रेट 1 करोड़ सकता है। व्यूअरशिप के साथ साथ रेटिंग भी आती है और इससे एड रेवेन्यू बढ़ता है। स्टार इंडिया ने 2021 में कहा था कि बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मैनशिप के मार्क क्रॉस करने की तैयारी है। आईपीएल 2020 बना था कि हर मैच की एवरेज व्यूअरशिप 3 करोड़ थी। किसी भी डोमेस्टिक लीग में इतनी बड़ी व्यूअरशिप होना एक बड़ी बात है। ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग के अनुसार आईपीएल 2020 सीजन में पहले 3 हफ्तों में 30% की गई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन कम होने के कारण, व्यूअर्स घर से बाहर जाने के कारण ये गिरा। डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स होल्डर आईपीएल को रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करती है, लेकिन इंडिया के ओटीटी प्लेटफॉर्म एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ग्लोबल लेवल पर सबसे कम है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने आईपीएल के मदद से अपने सब्सक्राइबर बस से बढ़ा लिए हैं। वॉल्ट डिज्नी कंपनी के सीईओ के अनुसार इस साल के सेकेंड क्वार्टर के एंड तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अपनी न्यू सब्सक्राइबर बेस
आधे से भी ज़्यादा आईपीएल 2022 के मदद से बढ़ा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट कहते हैं जब ये $1.2 बिलियन की स्टार्ट होगी, राइट होल्डर को 3 से 4 साल लग जाएंगे इसे ब्रेक इवन करने में और प्रॉफिट। आईपीएल के तुलना में 2021 में एक गेम की एवरेज व्यूअरशिप थी और जो हर साल 9% से बढ़ रही थी। टॉप की बात की जाए जैसे कि डलास काउबॉय वर्सेस लास वेगास राइट की व्यूअरशिप 40 मिलियन रिकॉर्ड किया 2021 के सीजन में। और ईपीएल की बात करें तो यूके में एवरेज व्यूअरशिप 26 मिलियन रिकॉर्ड की है जिसमें से करीब 40% देश की ही पॉपुलेशन है। आईपीएल ग्लोबल स्पोर्ट्स लीग के कंपैरिजन में कैसा है तो जानते हैं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी के मुताबिक आईपीएल एनएफसीएल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग है। एनएफसीएल की शुरुआत 2020 में हुई थी। आईपीएल के बिजनेस और मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज एफएल और ईपीएल लीग पर बेस है, करने की स्ट्रेटजी भी काफ़ी सिमिलर है। एनएफसीएल में 32 टीम्स होते हैं, 5 महीने का सीजन खेलते हैं जिसमें 285 गेम्स खेले जाते हैं जिसमें से 272 रेगुलर स्पोर्ट्स गेम प्लेऑफ खेले जाते हैं। आईपीएल की तरह ये मेजर स्टॉक अपने मीडिया राइट्स अर्न करते हैं। मीडिया राइट्स मर्चेंडाइज एंड स्पॉन्सर भी रेवेन्यू जनरेट होता है। इनकी जो मर्चेंडाइज होती है इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके होम स्टेडियम से टिकट सेल करके उस टीम स्पॉन्सरशिप से लोकल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एनएफएल ने 2020 के सीजन में 12 रेवेन्यू जनरेट किया था। हाल ही में CBS, फॉक्स, Amazon, ESPN, NBC के साथ 2022-23 के लिए $110 बिलियन की साइन किया है जिसमें 10 साल के लिए मीडिया राइट्स सेल किए गए हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि BCCI ने 48,390 करोड़ यानी 6.2 बिलियन की साल के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सेल करके रेवेन्यू जनरेट किया है। NFL से किया जाए तो IPL के पास फ्यूचर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज अब रेवेन्यू जनरेट करने के और ये मार्केट साइज काफ़ी बड़ा के पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अवेलेबल है। तो हमने सिर्फ 6.2 बिलियन का ही रेवेन्यू जनरेट किया है। आने वाले 5 से 10 सालों में हम 100 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर पाए, ये मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई थी। IPL के बारे में आपको बताया जाए इस वजह से बनाई गई थी। आपको ये वीडियो अच्छी तो लाइक ज़रूर कीजिए। नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइबर दिखाई दे रहा होगा उसको दबा के ग्रे कर दीजिए। वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताइए।